आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इसके पहले के वीडियो में पार्ट वन में आपको हम पढ़ाए थे फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताए थे सेकेंड और थर्ड के बारे में आज पढ़ेंगे क्या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर उन्नीस से लेकर उन्नीस सौ तक चला यदि आप थर्ड ये फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिए हैं पार्ट वन का आप वहां से उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर उन्नीस सौ इकहत्तर से पचास ईस्वी तक चला क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछता है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक हुआ था उन्नीस सौ इकहत्तर से लेकर उन्नीस सौ पचास ईस्वी तक और इसी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट आ गया मतलब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ ठीक है तो फोर्थ जनरेशन में आपको माइक्रो प्रोसेसर मेन कंपोनेंट या मेन टेक्नोलॉजी के रूप में यूज हुआ या वी एल एस आई टेक्नोलॉजी का भी आधारित यह कंप्यूटर बना ठीक है मतलब फोर्थ जनरेशन में वी एल टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं कहीं कहीं पर कंपटीशन एग्जाम में वी एल का ऑप्शन ही नहीं देता है माइक्रो प्रोसेसर देता है तो वहां पर राइट आंसर फोर्थ जनरेशन में क्या होगा माइक्रो प्रोसेसर ही जनरली अब आज के डेट में माइक्रो प्रोसेसर का ही ऑप्शन देता है तो फोर्थ जनरेशन में मेन कंपोनेंट या टेक्नोलॉजी के रूप में क्या होगा आंसर माइक्रो प्रोसेसर ही होगा अगर माइक्रो प्रोसेसर नहीं देगा तो आप देखिएगा वी जरूर रहेगा ठीक है दूसरा क्वेश्चन इस इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, तो है, है. है. यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल फॉर्म हम लिख कर रख चुके हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है ठीक है तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में कंप्यूटर का साइज आप देख लिए कितना छोटा हो गया एक डेस्कटॉप पर आप एक टेबल पर आसानी से रखे जाने लगा है ना और इस जनरेशन के अंतर्गत जो भी कंप्यूटर रहा वो वेरी चीप मतलब बहुत सस्ता हो गया जो कि आसानी से आपका मार्केट में मिलने लगा लगभग 30 से चालीस हजार रुपया में आसानी से मार्केट में मिलने लगा और नेक्स्ट पॉइंट पोर्टेबल एंड रिलायबल इस जनरेशन के अंतर्गत जो भी बना उस कंप्यूटर को आप आसानी से ले जा सकते सकते हैं है ना? और काफ़ी विश्वासनीय बना क्योंकि स्पीड बहुत तेज हो गया इस जनरेशन के अंतर्गत जो भी कंप्यूटर बना उसका स्पीड बढ़ गया दुगना हो गया सेकंड फर्स्ट सेकंड के जनरेशन के तुलना में और थर्ड जनरेशन के तुलना में यूज ऑफ पीसी पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर ठीक है जो आप ये देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं पीसी क्या बोलते हैं इसे पीसी पर्सनल कंप्यूटर आप देख ही रहे थे साइज कितना छोटा हो गया नो ए सी रिक्वायर्ड जी हाँ फ्रेंड्स आज के कंप्यूटर मतलब पाँचवा जनरेशन कंप्यूटर या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में कोई भी ए सी की जरूरत नहीं पड़ता है हम लोग देखें थर्ड जनरेशन में भी, भी नहीं पड़ता था सॉरी फोर्थ जनरेशन में भी, भी नहीं पड़ता था ना फिफ्थ जनरेशन में पड़ता था ठीक है ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आपको ए सी की जरूरत नहीं पड़ने लगा ना फिफ्थ में पड़ रहा है अभी क्या आज जो कंप्यूटर आप चला रहे हैं लैपटॉप चला रहे हैं डेस्कटॉप चला रहे हैं क्या एसी का जरूरत पड़ता है नहीं इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड आपको बता दें कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आपका इंटरनेट का कंसेप्ट आ गया और उसके बाद से सारे बैंक में लगभग बैंक में क्या हो गया कंप्यूटर कंप्यूटर यूज होने लगा क्योंकि इंटरनेट का आविष्कार जो आपका होगा उन्नीस सौ इकहत्तर से पचासी के बीच ही इंटरनेट का प्रस्ताव आया बहुत बड़ा नेटवर्क का बहुत बड़ा विकास हुआ ठीक है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के दौरान नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी सी प्लस प्लस डी बी एम एस बहुत सारे एग्जाम में डी बी एम एस का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो डी बी एम एस का फुल फॉर्म होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का भी आविष्कार हुआ जैसे सी सी प्लस प्लस जावा डी बी एम एस ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं ठीक है कंप्यूटर बिकम बिकेम इजिली अवेलेबल आपको बता दें मार्केट में ये तो बता दिए हैं ठीक है और इस जनरेशन के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल हैं कुछ कंप्यूटर जो हम आपका नाम बता दें डी ई सी टेन वन थाउजेंड क्रे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट जो है सुपर कंप्यूटर है ना जो कि सबसे तेज कंप्यूटर होता है सबसे शक्तिशाली होते हैं विश्व का ठीक है यह था हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया नेक्स्ट नेक्स्ट है लास्ट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि उन्नीस से लेकर उन्नीस से लेकर अब तक पांचवा जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है विकास अभी क्या है जारी अभी रुका नहीं है और आज के डेट का कंप्यूटर जो जितना भी आ रहा है, सारा यू एल एस आई टेक्नोलॉजी पर आधारित है ठीक है यूएलएसआई का मतलब हुआ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ये फुल फॉर्म पूछता है ठीक है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो कि प्रोसेसर के नाम से जानते हैं जैसा नहीं देखते हैं आप माई कंप्यूटर में जाकर देखिएगा प्रॉपर्टीज में ठीक है या दिस पीसी पर जाकर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में देख सकते हैं इंटेल प्रोसेसर ए एम प्रोसेसर आपके अंदर कंप्यूटर में क्या लगा है जैसे इंटेल देखिए यहां पर इंटेल तो ये प्रोसेसर जो है ना ये यू एल एस आई टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो कि आज के कंप्यूटर में लगा हुआ होता है यू एल एस आई टेक्नोलॉजी पर ठीक है और इसी के साथ आपका इसी के साथ ए आई भी विकास हुआ ए आई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉरी बैटरी थोड़ा सा लो हो गया तो ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी आधारित कंप्यूटर आज के डेट में बन रहा है है ना इसके बाद आपको बताते हैं कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी गुण है मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विथ मल्टीमीडिया फीचर आज के कंप्यूटर जो देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर निकल गया है और जैसा हम काम देते हैं कंप्यूटर करके देता है जो चाहते हैं वो हो जाता है ठीक है तो मतलब यूजर फ्रेंडली बन गया ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद फोर्थ जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम के आने के बाद क्या हो गया आज के कंप्यूटर हम लोग यूजर फ्रेंडली के जैसा बिहेव करता है बहुत सारे मल्टीमीडिया फ़ीचर्स हो गए हैं ऑडियो वीडियो ऑडियो सॉन्ग बजता है ऑडियो सॉन्ग प्ले होता है वीडियो सॉन्ग प्ले हो जाता है इमेज कोई जैसा मतलब यूजर फ्रेंडली हो गया और मल्टीमीडिया फ़ीचर भी आज के डेट में कंप्यूटर में आ गया है लेकिन फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में ऐसा कुछ भी ना था और एबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड चीपर रेट्स आज का कंप्यूटर देखिए बहुत शक्तिशाली और सस्ता हो है है ना नेक्स्ट पॉइंट रैम एंड रोम इज यूज फॉर प्राइमरी स्टोरेज और जो कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं रैम और रोम जो यूज होता है वो प्राइमरी स्टोरेज के रूप में रैम और रोम का यूज हो रहा है और सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में हार्ड डिस्क एच का मतलब हुआ हार्ड डिस्क ठीक है एस ये जो हमारा है ये भी एक प्रकार के हार्ड डिस्क जैसा ही वर्क करता है हार्ड डिस्क से बेटर होता है एस राइट अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस एंड एस ठीक है हार्ड डिस्क और एस में क्या अंतर है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर आप मैसेज लिखें ताकि इस पर भी एक वीडियो आपको बनाकर दे दे कि दोनों में क्या अंतर है कौन सा बेस्ट होता है आज के डेट के लिए ठीक है तो ये था फिफ्थ जनरेशन कुछ सम कंप्यूटर टाइप्स ऑफ दिस जनरेशन कुछ इस जनरेशन के अंतर्गत जो भी कंप्यूटर है कुछ एग्जाम्पल आपको दिए डेस्कटॉप लैपटॉप नोटबुक जितना भी छोटा छोटा कंप्यूटर देखते हैं लैपटॉप देखते हैं टैबलेट देखते हैं डेस्कटॉप देखते हैं है ना इस सारे जितना भी मोबाइल देखते हैं सारा ये पांचवा जनरेशन का कमाल है उन्नीस के बाद से ही ये छोटा छोटा आ गया है और अभी तक विकास जारी है कल के डेट में कुछ भी हो सकता है कंप्यूटर किसी प्रकार भी आ सकता है ठीक है आप देख सकते हैं कि रोबोट के जैसा वैज्ञानिक का सोच है कि रोबोट के जैसा ये काम करे कंप्यूटर ठीक है तो अभी विकास आपका उन्नीस से लेकर अभी तक क्या है जारी है आपको एक बार रिवाइज करा दें मेन पॉइंट सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट जो याद रखने योग्य है कि फर्स्ट जनरेशन में आपका जो यूज हुआ था वो क्या हुआ था वैकम ट्यूब यूज हुआ था है ना जो मेन कंपोनेंट या टेक्नोलॉजी पर जो आधारित था कंप्यूटर सबसे मेन प्रोसेसर के रूप में जो लगा था वैकम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में वैकम ट्यूब सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर थर्ड में आईसी आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आविष्कार किसने किए हैं जैक किलवी फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर फिफ्थ जनरेशन में यूएलएस टेक्नोलॉजी है ना अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ठीक है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड तो ये था यू या ए भी यूज हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये था आपका कंप्यूटर का जनरेशन जो कि हमारे कंप्यूटर पांच भागों में बटा पांच पीढ़ियाँ में बटा था ठीक है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें और शेयर करें ठीक है थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में